सतलुज चैनल वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ कमलजीत कौर ते अज असीं पहुंचे हाँ गुरुद्वारा जंड साहब जिसका इतिहास दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल जुड़िया होया है। जदों चमकौर की जंग हो रही होंदी है तो पंजा सिंघां दा हुक्म हुंदा है कि गुरु साहब गढ़ी छड़ के चले जाण, तो गढ़ी छड़दे समय गुरु गोबिंद सिंह जी इस स्थान पर पहुँचते हैं। यही वो जगह है जिथे अफरू ते गफरू नाम के दो व्यक्तियों गुरु जी मौत के घाट उतारते हैं, क्योंकि वह गुरु जी वेख के रौला पाउण की कोशिश करते हैं ते गुरु साहब नू मुगल फौज के कोल फड़वाउणा चाहते हैं। यही गुरुद्वारा साहब चमकौर साहब शहर के विच पैंदा है ते चमकौर साहब तो 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान के उत्ते वो जंड का दरख्त भी मौजूद है जिथे गुरु साहब ने कुछ समा बतीत किया ते जंड के दरख्त नू असीसां दित्तियां। आज दर्शन करावांगे तुहानू गुरुद्वारा जंड साहब दे ते जानू करावांगे इतिहास दे बारे। गुरुद्वारा जंड साहब दे विच असीं मौजूद हाँ। चमकौर साहब की जंग तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी इस स्थान पर रुके सी ते मेरे पिछे तुसीं जंड दा दरख्त भी देख सकते हो। इतिहास के बारे जानांगे, मेरे नाल मौजूद ने ग्रंथ सिंह भाई अवतार सिंह जी। भाई साहब जी, गुरुद्वारा जंड साहब का इतिहास की है? चमकौर की जंग तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी कदों इत्थे पहुंचे? धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, सत पोह की जंग जो गुरु साहब जी ने जुल्म के खिलाफ मुगलों के नाल लड़ी है, जिस दे विच इतिहास 10 लाख की फौज दसदा ते 40 सिंह सतगुर सच्चे पातशाह जी दे नाल गरीब नवाज ने चमकौर साहब की जंग लड़ी है। तो जदों सतगुर सच्चे पातशाह 3 प्यारे शहीद हो गए अते 2 साहिबजादे बड़े बाबा जीत सिंह बाबा हजार सिंह उन्होंने शहीदी प्राप्त की, तो गुरु महाराज जी दे नाल जो सिंह से कुछ शहीद होए तो सतगुर सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती करन लगे ते भाई दया सिंह जी कहन लगे महाराज की करन लगे है। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वचन किए, कहन लगे दया सिंह मैं अकाल पुरख अरदास करन लगे हाँ क्योंकि असी भी इस थान ते शहीद होवांगे जंग लड़ के। तो जो भाई दया सिंह जी ने सतगुर सच्चे पातशाह जी के पवित्र वचन सुने तो भाई दया सिंह जी उन्होंने आपस सिंघा देना विचार की, कहन लगे भी अगर गुरु साहब नूं कुछ हो गया तो फिर साडा जिहड़ा जीवना वह किसी काम का नहीं हैगा, इस करके आपां गुरु साहब नूं किसी हिसाब के नाल इत्थों सुरक्षा थान ते भेजिए। उन्होंने बेनती की ते गरीब नवाज कहण लगे नहीं, जिस स्थान पर साडे जो साहबजादे शहीद होए आ 5 प्यारिआं दे विच्चों सिंघ 5 प्यारिआं दे विच्चों 3 प्यारे शहीद होए आ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨੁਮਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੁਮਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲੰਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਸੇਧ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ते भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते भाई मान सिंह जी, तीन सिंघां नूं गुरु साहिब जी ने कहा अते इतिहास के अनुसार महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा संगत सिंह उन्हां नूं कलंगी तोड़ा बख्शिश करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी उत्तों तुरदे ने ताड़ी साहब के पवित्र स्थान के उत्ते जिते ख्वाजा मरदूद उहदा तंबू सी, ते अज भी आपां जाके दर्शन कर सकदे इत्थे पिपल है उस अस्थान के कोल उत्थे तंबू सी। तो वह बड़ा ही उतरिया होया जरनैल सी, ते गरीब नवाज ने उहदे तंबू दे कोल आके ताड़ी मारी ते महाराज कहण लगे ख्वाजा मरदूद पीरे हिंद जा रहा, अगर तुहाडे विच हिम्मत है तो सानू फड़ लो, गुरु गोबिंद सिंह तेरे कोल खड़ा। सतगुरां ने तीन बार उत्थे ताड़ी मारी ते ताड़ी मार के गरीब नवाज सच्चे पातशाह इस इलाके वालू महाराज तुरे आए। तो जदों गुरु महाराज सच्चे पातशाह तकरीबन एक मील बाट तय करते तो पिंड रायपुर आता है। रायपुर के बीबी शरण कौर जी है, तो बीबी शरण कौर जी जिन्हों का आनंदपुर साहब विखे बड़ा आना जाना सी, सतगुरों दर्शनदार करने वास्ते जाते होंगे सन। किसी समय बीबी शरण कौर जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज को बेनती की, सतगुरु सानू कोई सेवा बख्शो। तो सतगुरु कलंगीधर पिता जी बीबी शरण कौर जी ने सहज सुभाव महाराज जी ने बचन किया, कहन लगे बेटा थोड़े को सेवा लवेंगे, बड़ी महान सेवा लैनी है, थोड़े ग्रह विख्या के असी सेवा लवेंगे। तो उस समय कलंगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये जदों महाराज जी चमकौर साहब का युद्ध किया उस तो उपरंत महाराज रायपुर पिंड दे विच सतगुर जाते हैं, वो रोड ते ही अस्थान है बीबी जी का जो घर है, तो महाराज सच्चे पातशाह जो उत्थे गए तो बीबी शरण कौर जी ने सेवा बख्शिश की। कड़ी महान सेवा बख्शी, तो कि जेडे सिंघां दे पवित्र शरीर होए शहीद पए हुए हैं उन्हां दा तुसी संस्कार करना है, तो बड़ी महान सेवा अज साडियां थोड़े वर्गियां साडे बीबियां भैणां नूं बड़े ये माण वाली गल है कि जिथे साडियां बीबियां ने मोढे नाल मोढा जोड़ के अपने सिंघां भरावां दे नाल जुल्म दे विरुद्ध आवाज़ उठाई अते जंग किते, ते सतगुरां दा वचन मन के बीबी शरण कौर जी ने, ते उत्थे जो कतलगढ़ साहब दे पवित्र अस्थान ते सिंघां दा अंगीठा बनिया है उस स्थान दे उत्ते एक गंज बनाया, भाव पवित्र जो सिंह शहीद होए पे सन उन्हां दे शरीरां नूं लिया के उत्ते एक अंगीठा तैयार किया, ते बीबी शरण कौर जी ने उन्हां नूं उन्हां दा उत्ते संस्कार किया। ते बीबी शरण कौर जी जदों संस्कार कर रहे सन तो मुगलों ने देखा भी ये कोई औरत फिरदी है, तो वह कहन लगे भी औरत नहीं हो सकती, ये तो कोई भूत नहीं चड़ेल होगी, औरतों का की मतलब है इस जंग के मैदान के। बीबी शरण कौर जी कहन लगे ना मैं भूतनी ना मैं चड़ेल, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की पुत्री हाँ, जो मेरे गुर पिता जी ने मैनू हुक्म किया मैं कार्ज किया है, जो थोड़े मन च आता वो तुम करो। बीबी वल नू वधे हो जो वादे बीबी शरण कौर जी उन्होंने नाल जंग करते हैं जूझते हैं, तो जदों होर फौज आ गई तो उन्होंने बीबी शरण कौर जी ने उस अस्थान के उ उस बलदी हुई चिखा दे सुट दिता, तो बीबी शरण कौर जी उत्थे उस चिखा दे शहीदियां प्राप्त कर गए। कलंगीधर पिता जी तकरीबन 8 पौ दे अमृत वेले इस जंड साहब नूं भाग लाउंदे हन। तकरीबन 2:30 बजे का समा है, तो जो महाराज सच्चे पातशाह ने देखा कि इत्थे आराम करदे आ, तो गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस जंड साहब के हेठां आके सतगुरु बैठे, तो इत्थे पार ब्रह्म परमेश्वर की भगती की महाराज नितनेम किया, इत्थे आके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने वह समां याद किया कि छोटे लाल कित्थे होने, माता जी कित्थे होने, दो नूं मैं हथीं तोर आया, दो साहबजादे कित्थे होने आ, इत्थे आके गुरु साहब जी के सामने वो सीन नज़र पिया सतगुरां दे, ते जदों महाराज जी गढ़ी साहब दे पवित्र स्थान तो तुरदे हन की देखदे आ एक नौजवान सिंह पिया जिहदी छाती दे विच बेअंत तीर खोवे वे आ, ते ओह पवित्र शरीर सी बाबा अजीत सिंह जी दा, ते महाराज सच्चे पातशाह खुद अगे तुरदे ने की देखदे ने कि एक होर नौजवान शरीर पिया जिहदी छाती दे विच बरशियां खोवियां भी आ, ओह पवित्र शरीर सी बाबा जुझार सिंह जी का। उत्थों महाराज ने देख के अंडिठ किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि महाराज कहन लगे मेरे पुत्र भी
जिथे मेरे पुत्र शहीद होए है तो उत्थे मेरा खालसा पुत्र नादी पुत्र है उन्हें भी शहीदियां प्राप्त कीतियां। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने इस अस्थान दे आ के वह सारा ही जो बरतान सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नेत्रां दे सामने आया तो इत्थे आके महाराज ने कहा सतगुरु पर ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु एक मैं थोड़ी किस्त बच्चों की मोड़ दी तो दूसरी किस्त भी समा आने मैं मोड़ांगा। तो कलंगीधर पिता जी इत्थे विराजमान होंदे ने ते जदों महाराज पातशाह फिर इत्थे बैठदे ने की देखदे आ इस जंड साहिब नूं महाराज ने असीसां दित्तियां कहण लगे जंडा है तू भावें एक दरख्त दी जूनी दे विच जा पुत्तरा तैनूं अज इक बख्शिश कीती कि दुनिया तेरे दर्शन करन आया करूगी दुनिया तैनूं नमस्कारां करिया करूगी अज तां सानूं इक ये आसरा बख्शिश किया। कहन लगे जंडा एक तेरा आसरा ते एक श्री साहब का आसरा एक पर ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का आसरा है ते संगतां तेरे दर्शन करिया करनगियां मेरिया संगतां तेरे कोल जरूर आया करनगियां दूरों दूरों भी ते इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह जंड नाल गल्लां करदे ने गुरु साहब दे टाइम दा ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी देखदे दिन चढ़ गया ते जो दिन चढ़ गया यह भीड़ सी किसे टाइम इत्थे सतलुज दरिया चलिया वा सी ते यह भीड़ सी कंडियां दे नाल सारा झाड़ियां कंडेदार झाड़ियां सन उत्थे इत्थे ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह इत्थों तुरदे ने जदों तुरदे ने गुरु साहब जी तुरने हुंदा क्यों नंगे चरना सतगुरां दे ते की होया कंडियां ने जिहड़े महाराज दे चरण है वह ऐन लूह दिते भाव कंडिया ने गुरु महाराज सच्चे पातशाह चरण फाड़ दिते सतगुर सच्चे पातशाह तुरदे एक सुज गए ठंड के हूँ आप ठंडे खड़े हैं इतने ठंड लगती है पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जिन्हों तो तुरना होया इन्ना शरीरक तकलीफ दे विच सी जो तुरन लगे महाराज तो तुरना अपने उन्होंने पब्बा तो भार नहीं आया तो महाराज बैठ गए जो बैठ गए तो उदों फिर महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे रहे जो दोपहर होया की देखते दो गुजर आते हैं एक दानों अल्फू एक दानों गामू अगे सामने पिंड पैंदा कीड़ी अफगाना उन्हां दे पशु सी उत्थे पशु चारण वास्ते आउंदे सी तो जो जदों उन्होंने देखिया वी इह तां आनंदपुर वाला गुरु है तो पता सी चमकौर साहब विखे जंग होया वह कहण कोई गल नहीं इहनूं फड़ा के आपां इनाम लवांगे तो जदों उन्होंने रौला पाउणा शुरू किया गुरु साहब कहण लगे बेटा अपना काम करो ये साडा धर्म युद्ध चलता साढ़े कार्ज के कोई अड़िका ना बनो इस करके तुसी जाओ इतों तो वह कहन लगे नहीं जी असी थोनू फड़ा के नाम प्राप्त करना नाम लेना सतगुरां ने उन्होंने मोहर दित्तियां पंज पंज क्योंकि भारत की करंसी सी उदों सोने की सी पंज पंज मोहर गुरु साहब जी ने दित्तियां तो वह कहन लगे देखिया गुरु डर गया तो हुण फिर रौला पाउण लग गए जो रौला फिर पाउण लगे सतगुर सच्चे पातशाह कहण लगे नहीं हुण तुहाडा जिहड़ा लालच सी उह वध गया ते गरीब नवाज ने उन्होंने इसे थान ते मौत दे घाट उतार दिता ते गरीब नवाज फिर इत्थों तकरीबन शाम नूं तुरदे ने किन्ने दिन रुकदे ने इत्थे एक तो जो अमृत वेले आया वह समा अच्छा ते बाकी वह दिन सारा दिन पूरा दिन हाँ पूरा दिन ते इत्थों फिर महाराज तकरीबन शाम जी नूं तुरदे आ तुरदे बहलोलपुर पिंड पैंदा उत्थे पहुँचदे आ हाँ किसे टाइम जिमें बीबी शरण कौर जी ने बेनती की सी ते उसे किसे टाइम सतगुरां दे चरणां दे विच बहलोलपुर दा नगीना खत्री है जो गुरु साहिब जी नूं घोड़े वेचदा हुंदा सी ते उहने भी बेनती की महाराज साडे घर आयो ते सतगुरां ने उहनां नूं वचन किया घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत दे महावाक अनुसार सतगुरां ने वचन किया कहण लगे असीं तुहाडे घर आवांगे पर तुसीं सानूं पछाणना नहीं तो कह महाराज ऐ किवें हो सकता तो सतगुरु कहन लगे कोई गल नहीं वह तो समा दसूगा बेटा तो ये गरीब नवाज इतों जाते हैं तो बहलोलपुर पिंड पहुँचते हैं जो बहलोलपुर महाराज पातशाह अमृत वेले पहुँचते सारी रात तुरे रहिंदे आ तो जो उत्थे पहुँचते हैं तो की होया तो दरवाजा खड़काउंदे उहदे घर दा जाके तो नौकर निकलदा जिहदा नाम जीवना दस्सिया नौकर देखदा कहिंदा जी तुसीं तां आनंदपुर साहब वाले गुरु है जिहड़े उहनां दे सिख लगदे आ महाराज कह नहीं असं आनंदपुर साहब वाले गुरुए आ तो उन्हें महाराज चरणी हाथ लाया नमस्कार की मत्था टेकया तो महाराज कह लगे भी तेरा सरदार कितने कहें जी तुम बैठो इतने
धूनी लाई दी कहन तुम बैठो तो सेको तो मैं हमने बुला तो जो वह जाता नगीने खतरे बुला वास्ते कहता आनंदपुर साहब वाले गुरु आए हैं भी थानू बुला रहे हैं वो माड़ी किस्मत इस समय में पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले इनू कहते औखा टाइम गुरु तो बेमुख होने ही औखा समा कहा जाता है। तो वो मुख दे विचों की बोल निकलता कहिंदा आप उजड़िया वै तो सानू भी उजाड़ेगा इनू कह दो जिधर नू मूँह है उधर नू जावे। तो गरीब नवाज कहन लगे भी यह पिंड उजड़ता रहूगा तो वसदा रहूगा। तो उन्हें उत्थों फिर महाराज सच्चे पातशाह जी झाड़ साहब गए झाड़ साहब गुरु साहब रही करात तो उतो माशूवाड़ा साहब चले गए। इत इतिहास है महाराजा रणजीत सिंह ने इस स्थान के नाम से 800 बीघा जमीन लवाई खालसा राज दे समय इस वक्त गुरद्वारा साहब के कोल 75 किले जो जमीन दे श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध अधीन है पर नाल लोकल कमेटी जो पिंडां दी है साढ़े इतने के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगीर सिंह जी है तो सामने बैठे है। इमारत कितनी पुरानी है गुरुद्वारा साहब की ये इस स्थान के उत्ते इमारत पुरानी थी इस स्थान तो ना इतने छोटी इमारत होंगी पहले उत्थे खंड पाठ साहब होंगे थे जे ये दरबार साहब है जेडे इतने जी पुरानी इमारत थी वह मत बधा दिती थी बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वालों वालों यह सारा फिर अस्थान बनाया। तो उस तो बाद फिर हूँ भी बाबा अजीत सिंह जी झाट सेवा वालों वालों उन्होंने वालों भी लंगर साहब की सेवा सारी चल रही है सरावान की सेवा अखंड पाठ साहब वास्ते जो कमरे बने हुए सारे चलते 24 घंटे इतने लंगर चलता है। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी की कृपा इतिहासिक दिहाड़े केड़े केड़े मनाए जाते हैं इतिहासिक दिहाड़े तकरीबन सारे गुरु नानक देव महाराज प्रकाश दिहाड़ा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा खालसा पंथ साजन दिवस विसाखी पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज शहीदी दिहाड़े अते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का जो शहीदी जोड़ मेला होंदा साहबजादियों का उदो बड़ा भारी इकट्ठ होंदा इत्थे आनंदपुर साहब ते जो मैतेणा साहब ते नगर कीर्तन आउंदा इत्थे नूं होके जांदा इलाके संगत का बड़ा सहयोग है। इलाके दे किहड़े किहड़े पिंड पैंदे ने नाल शहर इत्थे इलाके दे पिंड पैंदे फतेहपुर पिंड पैंदा जी नाले ते उदो महतोत पैंदा जी ते हफसाबाद खानपुर डला खोखरा बहरामपुर जिथे दी बेअंत संगत आके दर्शन दारी करदे शहर चमकौर साहब नाल कस्बा कवेला पैंदा। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।